हमारी इज्जत और जर्फ ये गवारा नहीं करती कि हम किसी गैर लड़के को बुलाकर अपनी बेटी से मुलाकात करवाएं। सो दिमाग में बिठा लो कि आज के बाद अगर तुमने मेरी बेटी पर इस घर के दरवाजे बंद करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा सुल्तान, समझे तुम? बहुत अच्छी थी फिल्म भाई। अरे रहने दो ना असरा, रात बहुत हो गई है, काम वाली देख लेगी। पक्का? हाँ हाँ, तुम थक गई होगी, वैसे फिल्म बहुत अच्छी थी। वाकई मूवी बहुत अच्छी थी और आपके साथ तो पहली दफा देखी है मैंने। हाँ ये तो है, वैसे आजकल ना ऐसी कहानियां देखने को नहीं मिलती, पहले जमाने में ऐसी होती थी बिल्कुल कहानियां। ठीक है फिर मैं। हाँ जाओ सो जाओ, शाबाश। जाग रहा हूं मैं। सोया नहीं। अच्छा जाग रहे हैं आप, मुझे लगा सो गए हैं। इतनी देर लगा दी, कहां थी? वो आपने गुस्सा कर दिया था ना, उसके बाद आंटी के साथ मूवी देख रही थी और फिर मशहद मिल गई तो उसके साथ बातें कर रही थी। हाँ भाई अब तो नई दोस्त बना ली है, मेरी पहले जैसी वर्द कहां रहेगी। मशहद बाजी ले गई मुझसे। नहीं नहीं आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आते जाते कभी मुलाकात हो जाती है तो बात कर लेती हूँ, आप मना करेंगे तो बात नहीं करूंगी। अरे नहीं नहीं मैं क्यों मना करूंगा तुम्हें, तुम्हारी दोस्त है, तुम खुद समझदार हो, जो ठीक लगे वो करो। एक बात पूछूं? शाम तक तो आप बहुत गुस्से में थे, मेरे बगैर मनाए कैसे मान गए आप? बैठो। हाँ था मैं गुस्से में, लेकिन फिर मैंने सोचा माजी तो हर इंसान का होता है, और अगर ऐसी वैसी कभी कोई बात हो जाए तो उसे बीच में ला के लड़ना झगड़ना ये तो अकलमंदी नहीं है, इसलिए भूल गया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, आपने कितनी समझदारी से सारी बात हल कर दी। अरे ऐसे ही थोड़ी पूरी दुनिया मुझे समझदार कहती है। मशहद भी कह रही थी कि आप बहुत समझदार हैं, जबकि वो बिल्कुल समझदार नहीं है। She's so dumb. ऐसा नहीं है, जैसे भी है वक्त अच्छा गुजर जाता है उसके साथ। चलो देखते हैं उसके साथ भी तुम्हारा वक्त कब तक अच्छा गुजरता है। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि तुम्हारी शिद्दत और मोहब्बत की जीती जागती मिसाल मैं हूं, मेरे लिए भी तुम ऐसे ही कहा करती थी ना कि मेरे बगैर तुम जी नहीं सकती, मुझसे बात किए बगैर तुम्हारा दिन नहीं गुजरता, और अब देखो नई सहेलियां बना ली, सारा दिन उनसे बातें करती, मुझे बिल्कुल इग्नोर किया। आप
मिशेल से जलस हो रहे हैं? मिशेल के साथ तुम मुझे कंपेयर कैसे कर सकती हो? कम ऑन, इस दुनिया ने मुझे इतनी इज्जत इतनी शोहरत दी है और मेरी खुद की बीवी को देखो, मुझे खोटे सिक्कों में शुमार कर रही है। सुल्तान, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? मिशेल खोटा सिक्का नहीं है, उसका अपना यूट्यूब चैनल है। वो तो मेरा भी है। उसके मिलियन में फॉलोअर्स भी हैं। सो व्हाट यार, तो मेरे भी हैं। अच्छा चलें, जाने दें, बात कहां से कहां जा रही है। मैं आपके लिए कॉफी बनाकर लाऊं? आज कॉफी नहीं। तुम्हें चाय पसंद है ना? आज तुम्हारे साथ चाय पियेंगे। चाय? मैं अभी बना के लाती हूँ। जब सुल्तान तुम्हारा दिल नहीं रखता ना, तो तुम उसकी बात इतनी जल्दी क्यों मान लेती हो? मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा उस बेचारे इसरार के लिए। तुमने भी इतना अच्छा खासा लड़का छोड़ के इस खपती सुल्तान से शादी की। अब सबसे पहले वो खिड़की तुम खुद अपने हाथ से बंद करोगे असरा, जहां से तुम्हें ताजा हवा मिल रही है। आज मेरी कंपनी के सीईओ खुद मेरे केबिन में आए थे, उनके साथ जीएम और एमडी साहब भी थे। फाइनली हमारी कंपनी ने टेंडर जीत लिया, बहुत बड़ी खुशखबरी थी। वो खुद मुझे सुनाने के लिए आए थे और साथ में बहुत सारे गिफ्ट्स, एक अच्छी सी अमाउंट का चेक। बहुत खुश थे। थैंक यू। ये तो बहुत खुशी की खबर है, लेकिन ये बताने के लिए वो खास करके आपके रूम में क्यों आए थे? अरे असरा, जाहिर सी बात है, पूरी कंपनी में एक ही तो काबिल बच्चा है मेरा, और किसे बताने आएंगे? बहुत खुश थे वो। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, सुल्तान जैसा काबिल इंसान कोई दूसरा थोड़ी होगा। तुम्हारी तारीफ का शुक्रिया। अगर मैं तुम्हें एक बात बताता, ये मुबारकबाद सिर्फ मेरी काबिलियत के लिए नहीं थी, मेरी मेहनत, मेरी लगन और उस सबसे हासिल होने वाला प्रॉफिट जो कंपनी को हुआ, उसके लिए। इनफैक्ट सबने मिलके मुझे ये बात कही कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे वालेकुम अस्सलाम। अरे मिशेल, अच्छा हुआ तुम आ गई, आज सुल्तान की ऑफिस में बहुत तारीफ हुई है। ओह वेरी नाइस। वैसे सुल्तान को तो बचपन से आदत होगी ना अपनी तारीफें इकट्ठा करने की। यार वो चाय बना रही थी तो दूध खत्म हो गया था, तो प्लीज थोड़ा सा मुझे दे दो। हाँ मैं देती हूँ। सुने वो आप बात कर रहे थे ना, सॉरी अधूरी रह गई। हम्म, क्या कौन सी बात? अभी जो आप कर रहे थे। बता दो दी, और कितनी दफा रिपीट करो? इट्स ओके, चलो दे दो।